मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम प्रोसेस ट्रक का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रोसेस ट्रक का ऑब्जेक्टिव के बारे में बताए थे, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ता है बताए थे, और इसमें मिक्सिंग ब्लोअर कार्डिंग का हम कवर कर लिए थे, और स्टैंडर्ड वेट का सारी चीज़ ये सब चीज़ बता दिए थे कैसे कैसे अपन निकाले हैं। और उसके बाद इस पर देखिए ब्रेकेट रिंग का क्या क्या हिसाब किताब रहता है। जैसे कि आपको मैंने मशीनरी लिस्ट का बताया था, कार्डिंग 22 है, ब्लोरूम लाइन 2 है, ब्रेकेट रिंग 5 है, फिनिशर 10 है, और ओमेगा लैब 3 है, कुंबर 15। उसी हिसाब से अपन बताते रहेंगे। अभी देखो ब्रेकेट रिंग जैसे 5 है, आपको फर्मट पहले से निकाल के रखना पड़ेगा। 5 मशीन डबल डिलीवरी 8 डब्लिंग, मतलब हर मशीन में 8 डिब्बा लगेगा, हर मशीन में 8 डिब्बा लगेगा। और क्रील कैन देखो 36.3 केजी, कार्डिंग का जो कैन है 36.3 केजी का फुल लेंथ का 8000 लेंथ का, और डिलीवरी कैन जो 100% फुल लेंथ का 34.4 केजी का, ये आप ध्यान रखना। अपन उसी हिसाब से लिखा ले रैपिंग और डॉप लेंथ के हिसाब से। उसके बाद देखिए जैसे मतलब 5 ब्रेकर है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग कर दीजिए। और इसमें देखो कैसे कैलकुलेशन हुआ, जैसे 8 डिब्बा एक साइड में लगा, 2 डिलीवरी 2 मल्टीप्लाई हो गया। जो पहला ड्रॉइंग है इसमें डिब्बे के अंदर जो क्रील का डिब्बा है 40% मटेरियल है, 60% खपत किए हुए, तो 40% जो है उसका कैसे क्या हुआ देखो, 8 × 8 × 2 × 0.4 × 36.3 क्रील का क्या कार्डिंग का डिब्बा लगा हुआ, तो 36.3 में मल्टीप्लाई करने का, और 8 × 2 × 40% ये क्रील का जो कैन है इसको आपको बता दूँ 36.3 का हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी हिसाब से 232 किलो आया। और ड्रॉइंग का डिलीवरी कैन 2 रहता है, 2 डबल डिलीवरी है, तो जो 2 डिब्बा रहता है उसका डॉप लेंथ के हिसाब से समझ लो, 2 डिब्बा 50% है, डॉप लेंथ कितना अपन 7000 का रखे, 3500 का पहला ड्रॉइंग में, तो 50% मान लिए, तो 2 डिलीवरी का 50% मतलब 34.4 केजी हो गया। ऐसे ही दूसरा ड्रॉइंग में 8 डबलिंग 2 डिलीवरी 60% माल बचा हुआ, तो इतना केजी हो गया। इसमें डिलीवरी कैन 40% है, तो 27.5 केजी। ऐसे पांचवा ड्रॉइंग का अपन क्रिल कैन का पोजीशन और डिलीवरी कैन का पोजीशन, और जो पोजीशन रहेगा इसमें 36.3 में परसेंटेज हिसाब से गुणा कर दीजिए, इसमें 34.4 केजी के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया क्रील में 1568 केजी हो गया, और डिलीवरी कैन जो उसका अंदर 151.3 केजी हो गया। और एक्स्ट्रा ब्रेकर कैन 36 कैन अपनी पास जमा है, एक्स्ट्रा ब्रेकर कैन मतलब जो ब्रेकर ड्रॉइंग से अपन डिलीवरी हो गया फुल डिब्बा पर रखा हुआ, 36 कैन अपनी पास एक्स्ट्रा है, तो 36 × 34.4 केजी ये हो गया 1238.4 केजी। तो ए वाला और ए वाला तीनों जोड़ दीजिए अपन 2957.7 केजी ब्रेकर का स्टॉक हो गया। ऐसे हर डिपार्टमेंट का अपन स्टॉक वगैरह लेते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए अपना ओमेगा लैब के बारे में चल रहा है। अपना जैसे प्लानिंग में दिए थे 3 ओमेगा लैब है, तो 3 ओमेगा लैब में आपकी पहले डाटा लिख लीजिए, मशीन हो गया 3 ग्राम पर मीटर हो गया, 75 ग्राम पर मीटर हो गया लैब का, 320 मीटर हो गया एक लैब की फुल लेंथ, और वेट ऑफ फुल लैब कितना हो गया 24 केजी, और डबलिंग कितना 22, मतलब 22 डिब्बा ब्रेकर का डिब्बा अपना लगेगा ओमेगा लैब में क्रील में। तो क्रील का केजी कैसे निकाला जाएगा देखो, 22 कैन लगा, एक कैन ब्रेकर वाला जो लगा 34.4 केजी का, और पहला ओमेगा लैब में 40% कैन के अंदर मटेरियल है, मतलब 302.7 केजी हो गया। दूसरा ऐसे ही 22 डिब्बा लगा 34.4 केजी फुल डिब्बा,
इंटू 65% मतलब 65% मटेरियल है, 35% खपत हो चुका है, तो 491.9 केजी हो गया। तीसरा में देखो 22 डिब्बा लगा हुआ, 34.4 इंटू 50% मतलब 378.4 केजी हो गया। ये तीनों मिला दो 1173 किलो अपना क्रिल के अंदर मटेरियल हो गया। ऐसे डिलीवरी मतलब जो ओमेगा लैब चालू है, जो स्पूल रनिंग स्पूल है वो जो रहता है सब मतलब पहले वाला में 50% डब भरा हुआ तो इसमें 12 केजी का हुआ, दूसरा वाला 30% भरा हुआ 7.2 केजी हो गया, तीसरा वाला 60% भरा 60% 14.4 किलो हो गया। ये 33.6 केजी आधा आधा स्पूल जो रनिंग में है उसका ले लिए। उसके बाद देखो एक्स्ट्रा स्पूल्स इन स्टॉक, 64 स्पूल भरा हुआ स्पूल अपने पास स्टॉक में, 64 × 24 24 मल्टीप्लाई कर देना 1536 केजी हो गया। तो ये जो है क्रील का और डिलीवरी स्पूल का और एक्स्ट्रा ये तीनों चीज़ प्लस कर दिया मैंने इधर, 2742.6 केजी आया इसके ओमेगा लैब के स्टॉक। नेक्स्ट देखिए अपना कुंभर का बारे में बता रहा है, अपना कुंभर का बारे में पहले डाटा ले लीजिए, हेड कितना, एक कुंभर में 8 हेड रहता है, 8 हेड का। और अपना लैब जो कुंभर में फिट करते हैं ग्राम पर मीटर 75 ग्राम पर मीटर है, और कैन लेंथ 3000 मीटर, कुंभर का कैन का जो लेंथ 3000, कुंभर का कैन अपन दबा दबा के नहीं भरते क्योंकि फाइबर बिल्कुल पैरेलल हो जाता है और दबा के भरेंगे वो चिपक जाएगा एक दूसरों से, तो इसीलिए कम रखा जाता है। तो 3000 कैन लेंथ रखे, रैपिंग अप स्लाइबर 0.120 है, उसी हिसाब से अपन ये निकाल देंगे 14.75 केजी निकलेगा एक कैन का लेंथ का, फुल लेंथ का। उसी हिसाब से देखो अपन कुंभर एक नंबर से 15 नंबर तक नंबरिंग कर दिए, मैंने सारे कुंभर का लिखा नहीं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, वो मैं एग्जांपल के लिए 4 जगह लिखा, बाकी 15 कुंभर का इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा। 8 हो गया हेड, 24 हो गया एक लैब की वजन, ये पहला कुंभर में 40% मटेरियल है रनिंग मटेरियल तो 76.8 केजी आया। ऐसे 2, 3, 4 लिख देना, 8 × 24 कितना परसेंट ऐसे लिखने का। 5 नंबर देखा 8 × 24 × 50% 96 केजी आया। 6 नंबर कुंभर में 8 × 24 × 60% 115 केजी आया। ये 8 हो गया नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड, और 24 हो गया फुल लेंथ ऑफ लैप, फुल वेट ऑफ लैप, ठीक है। उसी हिसाब से 6 नंबर कुंभर में देखा 8 × 24 × 60% मतलब 115 किलो आ गया। और ऐसे ही 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक चले जाना, जैसे जैसे ऐसे लिखने का। और 15 नंबर को मैं देखा 8 × 24 × 70% 134.4 केजी। ये जितना केजी आया ना इसको जोड़ दीजिएगा ये सारे, और वो भी आएगा जो इधर, ये सारे जोड़ के मैंने जैसे लिख दिया एग्जांपल 1382 केजी। ऐसे ही डिलीवर कैन जो कुंभर का डिब्बा रहता है उसका अंदर जो मटेरियल रहता है, फुल कैन 1475 केजी का इंटू 30% पहला कुंभर में तो 4 किलो का माल है। इसमें 5 नंबर कुंभर में 50% 7.37 केजी माल है, 6 नंबर में 80% 11.8 केजी का। ऐसे ही सबका 15 कुंभर का पूरा डिलीवर कैन का जो लेंथ है उसी हिसाब से कितना कितना माल है इसको जोड़ के लिख लीजिए। मैंने इसको एग्जांपल के लिए 115 केजी मैंने लिख लिया। तो अपना पास जो कुंभर का कैन जो निकला हुआ कैन वो पड़ा है, संभल लो 56 कैन पड़ा है, तो 56 कैन इंटू 14.75 हो गया 826 किलो। तो ये जो है 826 किलो, 1382 किलो, 115 किलो वो सारे जोड़ दिया, टोटल आया 2323 केजी। मतलब कुंभर खाते में जो स्टॉक आया अपना पास 2323 केजी का आया। ये कुंभर के बाद फिर अपन चलेंगे आरएसबी। नेक्स्ट देखिए अपना प्रोसेस ट्रक के बारे में बात कर रहे हैं, फिनिशर ड्रॉप फ्रेम का बात चल रहा है। फिनिशर ड्रॉप फ्रेम के बारे में आपको बता दूं,
10 डब्बे में नंबर ऑफ डब्लिंग 8 डिब्बा क्रील में लगता है। डिलीवरी कैन जो होता है 17.7 केजी, जो लेंथ के हिसाब से अपन निकाल रखे देखो 17.7 केजी आरएसपी कैन का डिलीवरी कैन। फीड कैन जो है 14.75 केजी, 14.75 कौन सा कुंभर का जो कैन अपन निकाल के रखे 3000 लेंथ वाला 14.75 केजी का, क्योंकि इसका कुंभर का कैन डायरेक्ट लगता है। तो उसी हिसाब से देखो आरएसपी अपन 1 से 10 नंबर तक नंबरिंग कर दिए, 8 डिब्बा पीछे लगता है इंटू 14.75 केजी एक डिब्बा का इंटू पहला मशीन में 60% है मटेरियल, 40% खपत है, तो इसी हिसाब से देखो कितना आया 70.8 केजी आया। और उसी हिसाब से देखो इसमें कितना आया दो नंबर जो आरएसपी में 35.4 केजी, फिर तीन नंबर में 47.2 केजी, ऐसे ही आ जाएगा 10 नंबर तक, 10 नंबर में आया 59 केजी, टोटल 10 कम्बर का अपना 590 केजी आया क्रील में। फिर डिलीवरी कैन में देखो 17.7 केजी का अपना डिलीवरी कैन का रखे आरएसपी का, उसी हिसाब से सबका कितना परसेंट डिब्बा भरा हुआ रनिंग मशीन में वो देख लो लिख लिया, तो उतना परसेंट के हिसाब से केजी हो गया टोटल 10 आरएसपी में 97 केजी हो गया। तो अपना पास एक्स्ट्रा फिनिशर कैन जो है 450 कैन अपने पास जमा है, तो 450 इंटू 17.7 केजी तो 7965 केजी हो गया। तो ये वाला और क्रील जो आरएसपी का क्रील आरएसपी का डिलीवरी तीनों मिला दिया अपन 8652 केजी हुआ। ये अपना आरएसपी का हो गया मतलब स्ट्रक ट्रेकिंग का। उसके बाद आएगा सिंप्लेक्स आएगा, रिम फ्रेम आएगा, ऑटोकोनर आएगा, पैकिंग आएगा। और ये जो वीडियो है आप शुरू से देखते रहोगे तो ये सारी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा और कंप्लीट आपको आइडिया हो जाएगा प्रोसेस ट्रक कैसे लिया जाता है। आज इतना मैं वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।